अब जो चीजें सर हैं, हाँ वो हमारे बात में के बात है। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो फीमेल हेटरोगेमेसिस जेड 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 वाई, क्या हाँ था जेड वो, जेड थ्री है जेड क्या, डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू, सॉरी यस सर, हाँ क्या हुआ? सर सेटा वो तो है ही ना थला, अरे हाँ, मेल हेट्रोगेमेसिस तो है, फीमेल हेट्रोगेमेसिस का ठीक फीमेल है। ओके। फीमेल का है नहीं हाँ सर, फीमेल फीमेल का है हुआ ही नहीं है हमारा, वो ब्रेक ये लगा। सर वन। हाँ क्योंकि हम लोग वो डाइवर्जन में चले गए थे, पीएमटी स्पेशल में। चले यस ओके सर, यस ओके सर, ओके। हाँ, तो नाउ वी विल डिस्कस एक्चुअली, बिकॉज मेल से ही हम लोग डाइवर्जन में चले गए थे, बिकॉज दे आर डाइवर्जन ऑफ एक्स 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 वाई मैकेनिज्म। ओके सो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल हेटेरोगेमेसिस। ओके तो फीमेल हेटेरोगेमेसिस का मतलब क्या होता है? ओके तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल हेटेरोगेमेसिस? इस केस में अगर सास बहू को पीटेगी तो वो बेटा जन्म कर सकती है, समझ रहे हो? तो इन इन दिस केस द फीमेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट गैमिट्स। ओके इन दिस केस द फीमेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट गैमिट्स एंड द मेल क्या प्रोड्यूसेस सिंगल गैमिट। ओके सो टू डिफरेंट गैमिट्स का मतलब क्या हो गया? हेटेरोगैमेटिक, है कि नहीं? उसी तरह मेल का क्या हो गया? होमो गैमेटिक। ओके सो दिस इज द कंसेप्ट। सो इन दिस केस द फीमेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट गैमिट्स, टू डिफरेंट टाइप्स लिखना चाहिए एक्चुअली, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स एंड द मेल प्रोड्यूसेस ए सिंगल टाइप ऑफ गैमिट, है कि नहीं? तो ये हमारा उसका डिस्कशन है। नाउ तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, ठीक है जी? ओके तो पहले ये सिलेक्ट नहीं होता था, वो मैं सीख लिया कैसे, उसी ओल्ड में भी डाटा लाने वाला, ये नया चीज में भी सीख लिया, पर एक कलर चेंज नहीं होता, वही उसका प्रॉब्लम है। चलिए सो इन दिस केस द फीमेल प्रोड्यूसर्स, समझ में आया? तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो ओके इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन द फीमेल पेरेंट डिसाइड्स द सेक्स ओके ऑफ द चाइल्ड, ठीक है? ऑफ द प्रोजेनी लिख देंगे, ओके प्रोजेनी, ठीक है? नाउ सो ये उसका डेफिनेशन है। तो ये भी दो टाइप का होता है कि नहीं? सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओके इट इज ऑफ टू टाइप्स करके अब हमारा फर्स्ट जो है इसमें हम लोग लिखेंगे जेड 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 जीरो टाइप। ओके सो दिस इज जेड 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 जीरो टाइप। ओके इन दिस कंसेप्ट या इन दिस केस द फीमेल इंडिविजुअल हैज टू एन क्रोमोजोम्स बट द मेल हैज डेफिशियंसी ऑफ वन सेक्स क्रोमो वन सेक्स क्रोमोजोम। ओके इन दिस केस द फीमेल इंडिविजुअल हैज टू एन क्रोमोसोम्स बट द मेल हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम, है ना? सो इट इज रेफर्ड टू एज टू एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस जेड जीरो। ओके जेड जीरो
नाउ अगेन आपको पता होना चाहिए दैट जीरो इन दिस केस जीरो मीन्स नो क्रोमोसोम ओके इट इज नॉट अनदर सिंबल. तो बहुत लोग क्या सोचते हैं जेड एक और क्रोमोसोम है जैसे हम वाई यूज करते हैं वैसे जीरो. नो जीरो इज मीन्स नहीं है कोई क्रोमोसोम नहीं है ओके इट इज नॉट अनदर सिंबल. ये आपको याद होना चाहिए क्लियर. सो दिस इज द केस इट इज ऑपोजिट ऑफ क्या इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट इज ऑपोजिट ऑफ द एक्स 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 जीरो सिंड्रोम है कि नहीं. ये उसका रिवर्स है बेसिकली. नेक्स्ट पॉइंट इन दिस केस मेल प्रोड्यूसेस गैमेट्स ए प्लस जेड एंड फीमेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स ए प्लस जेड ए सॉरी ए प्लस जेड एंड ए प्लस जीरो ओके तो ए प्लस जेड एंड ए प्लस जीरो ठीक है जी. तो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है. तो अब हम लोग उसके रिलेटेड द बॉक्स बनाएंगे ठीक है जी. सो फर्स्ट वी विल टेक द फिनोटाइप. तो फिनोटाइप हमारा क्या है मेल मैरिज फीमेल ठीक है. जीनोटाइप तो जीनोटाइप क्या है तो मेल वी विल राइट ए ए प्लस जेड जेड. उसी तरह से फीमेल में हम लोग क्या लेंगे ए ए प्लस जेड जीरो ठीक है. सो दिस इज द फीमेल टाइप. नाउ गैमेट्स इसमें क्या बनेगा ए प्लस जेड है कि नहीं. सो दिस इज ए प्लस जेड एंड किधर बनेगा ए प्लस जेड जबकि उधर बनेगा ए प्लस जीरो है कि नहीं. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द गैमेट्स. तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं क्या सो दिस इज कॉल्ड होमोगैमेटिक इस हेटेरोगैमेटिक ओके. सो ये हमारा कंसेप्ट है. अब हम लोग उसका शादी बनाएंगे तो प्रोजेनी. तो प्रोजेनी हमारा इसमें हो सकता है ए ए प्लस जेड जेड मिला दो विच इज मेल मेल एंड इधर ए ए प्लस जेड जीरो दिस इज फीमेल ठीक है. तो ये हमारा कंसेप्ट है. एग्जाम्पल्स हम लोग लिख देंगे. तो दिस इज एक्चुअली रिपोर्टेड इन एग्जाम्पल्स. दिस इज रिपोर्टेड इन बटरफ्लाई इज एंड मॉथ्स. ये देखो ये जनरली है बट कुछ बटरफ्लाई मॉथ में उल्टा भी हो सकता है ये याद रखना. इसलिए जनरली बटरफ्लाईज मॉथ में ये कंसेप्ट होता है
ओके सो इसलिए ऐसा नहीं कि वो दूसरे में नहीं होता, तो डोंट बी सो रिजिड. ओके सो अब इनका शादी बनाएंगे हम लोग, इस इन दोनों का मिलन से ये हुआ एंड इसके और इसके मिलन से ये हुआ. देखो इसलिए का भी देखो मैं कितना सुंदर भी बना दे रहा हूँ, है कि नहीं, वेस्टिंग सम टाइम बट स्टिल इन द लॉन्ग रन इट इज इम्पोर्टेंट. ओके ये सारे मेल के मेल हो गए एंड ये फीमेल है, ये टू अलग अलग गैमिट्स हैं. मैंने इटा कौन आओ तुम लोग को घर में अब फिर कॉपी में उतारने का भी जरूरत नहीं है, आप इसको वैसे भी फाइल बना के रख सकते हो. चलिए तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया किस चीज का, दिस इज योर जेड 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 जीरो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है ना, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हम लोग कहेंगे क्या, जेड 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 डब्लू. सो दिस इज योर बी टाइप इनहेरिटेंस, जेड 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 डब्लू मैकेनिज्म. हेला मैकेनिज्म. नाउ इस पे देखो जब टेस्ट में बढ़िया क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इधर तो हमको दिया ही जाऊँगी, इधर तो हमको खोजने में पड़ी हुआ है ना कि नहीं. चलिए तो अब इधर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इन दिस मैकेनिज्म, ओके इन दिस मैकेनिज्म द क्रोमोसोम ओके नंबर इज सेम. ओके इन दिस मैकेनिज्म द क्रोमोसोम नंबर ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेम. ओके बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेम कॉमा दैट इज क्या 2n. ओके बट द फीमेल्स हैव ए स्पेशल क्रोमोसोम. ओके फीमेल्स हैव ए स्पेशल क्रोमोसोम कॉमा डब्लू. ओके ओके कॉमा डब्लू विच इज एंटायरली रेस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस. ओके तो इतना डिस्टर्बेंस है ना, विच इज एंटायरली रेस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस. हेला सो इट इज नोन एज होलोगाइनिक क्रोमोसोम या गाइनोसोम. अभी तो गूगल इंडियन करेंसी में भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है. जूम जूम है कि नहीं, तो जरूरत पड़ा तो उसको ये ले लेंगे पूरा. यस सर कर रहा है. हाँ तो अभी दे आर ऑल्सो चेंजिंग. हाँ चलिए एक्चुअली मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ना ये छोटा वीडियोस अपलोड करने के लिए अच्छा होता है ना कि नहीं, क्योंकि ना ये दो घंटे का टॉपिक देखकर भी कोई वीडियो देखेगा नहीं. तो जस्ट लाइक दैट. तो इसीलिए आई एम ऑल्सो नॉट दैट वे सीरियस. चलिए तो समझ रहे हो, तो इट इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज होलोगाइनिक क्रोमोसोम्स. ठीक है नाउ इन दिस केस In this case, the male produces a single type of gamete, A plus Z, whereas the female produces two types of gametes. Hello, two types of gametes. कौन कौन सा, ए प्लस जेड एंड ए प्लस डब्ल्यू. ठीक है जी, सो दिस इज द केस.
तो अब हम लोग चले जाएंगे हमारे डिब्बे पे। तो सुविल मेक एन अट्रैक्टिव डिब्बा, ठीक है। सो अब हम लोग चले जाएंगे फिनोटाइप, है कि नहीं। सो नाउ विल गो टू फिनोटाइप। तो इसमें मेल मैरिज फीमेल, है कि नहीं। तो मेल मैरिज फीमेल, इसमें हम जीनो टाइप लिखेंगे क्या। दिस इज ए ए प्लस जेड जेड, इसमें लिखेंगे ए ए प्लस जेड जी जेड डब्ल्यू, हो गया। सो उसके बाद गैमिट्स, गैमिट्स क्या हो गया अगेन इस केस में ए प्लस जेड, एंड इस केस में ए प्लस जेड एंड ए प्लस डब्ल्यू, हो गया। अब क्रॉस करेंगे। सो प्रोजेनी बनाएंगे, तो इधर ए ए प्लस जेड जेड बनाएंगे। तो दिस इज ए मेल, ओके इट्स अ मेल, एंड यहाँ ए ए प्लस जेड डब्ल्यू बनाएंगे विच इज ए फीमेल, क्लियर। तो ये कंसेप्ट है। नाउ अब हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, सो इसको हम लोग लिखेंगे होमोगैमेटिक, ओके। हमारा वो जेनिक बैलेंस हो गया था कि नहीं। यस सर। चलो उस पे भी क्वेश्चन आता है, ओके बहुत इम्पोर्टेंट। दैट इज हेटेरोगैमेटिक। तो ये होमोगैमेटिक हेटेरोगैमेटिक हो गया, एंड इधर हम लोग एग्जांपल्स लिखेंगे, ओके एग्जांपल्स। तो इसमें आ जाएगा आपका बर्ड्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये आपका जनरलाइज्ड एग्जांपल है जिसमें ये पैटर्न रिप्रेजेंटेड होता है। अब हम लोग एरो दिखाएंगे। सो इसका और इसका शादी करेंगे, उसी तरह से इसका एंड इसका शादी करेंगे, ठीक है जी, फाइन। सो ये हमारा प्रोसेस हो गया, ठीक है जी। चलिए सो नाउ वी विल मेक द मेल गैमेट्स, मेल इंडिविजुअल, मेल ये है फीमेल, फीमेल। सर हाँ बोलो सर, ये जो कौन गैनेंड्रोमॉर्फ गाइनेंड्रोमॉर्फ यहाँ नहीं है, गाइनेंड्रोमॉर्फ एक्चुअली ड्रोसोफिला में है, वो हम लोग स्पेशली पढ़ देंगे अलग से। गाइनेंड्रोमॉर्फ इज ए कंसेप्ट ऑफ योर जेनिक बैलेंस थियोरी, नॉट हियर। वो अभी कर लेंगे, हमारे पास 3 मिनट का टाइम है, तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, ओके। इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है, तो इजी सा टॉपिक है, बट ये टेस्ट देते समय थोड़ा केयरफुल रहेंगे, ठीक है जी। कहना इन योर एनसीईआरटी जेड 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 जीरो इज नॉट गिवेन, ओके, तो लाइक दैट, तो वो ध्यान देना बस। चलिए तो अब हम लोग एक स्पेशल टॉपिक करके लिख देंगे गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, स्पेशल टॉपिक्स, ओके ब्रैकेट रे इन ड्रोसोफिला, ओके। सेम कंसेप्ट एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। गाइनेंड्रोमॉर्फ का मतलब क्या होता है, अर्ध नारेश्वर रूप, है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड अर्ध नारेश्वर या नर नारी रूप, है कि नहीं।
वो हमारा नहीं इंटरसेक्स नहीं है माय डियर, इंटरसेक्स इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, सो दैट इज कॉल्ड नर नारी रूप, उसमें अलग अलग टाइप का हो जाएगा. इंटरसेक्स इज ऑल्सो डिफरेंट कंसेप्ट, ए लॉट ऑफ पीपल हैव अ टेंडेंसी टू कॉल देम इंटरसेक्स, बट इन बायोलॉजी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इंटरसेक्स बहुत वेरिएशन है. हाँ, इनको गाइनेंड्रोमॉर्फी कहते हैं. ओके, तो इसलिए इनका कोई अलग टर्म नहीं है. सो दिस इज योर गाइनेंड्रोमॉर्फ्स. सो दे आर इंडिविजुअल्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सप्रेस्ड मेलनेस, व्हेयरएज अदर पार्ट एक्सप्रेसेस फीमेल कैरेक्टर्स. ओके, सो इन ए वे. ओके, तो ये उसका कंसेप्ट है गाइनेंड्रोमॉर्फ्स का. ओके, इन ए वे they represent one kind of mosaic in the tissues. Hello? So they are known as gynandromorphs. As many as three types are seen in Drosophila. So bilateral gynandromorph ka matlab kya hota hai? Side-side gynandromorph. Okay, here half of the lateral side is male and the half of the rest is female. Isme aap Ardhanarishwar roop iska example le sakte ho. Mane Shiv Parvati roop. The left side suppose Shiv hai, राइट साइड पार्वती एंड सो ऑन वट एवर. सो दैट इज द बायलैटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ्स. एंटेरोपोस्टीरियर गाइनेंड्रोमॉर्फ, ऊपर मेल नीचे फीमेल या वाइस वर्सा. सेक्स पीबैल्ड, इसका मतलब है पैचेस में मेल होगा एंड पैचेस में फीमेल होगा. ठीक है, तो पैचेस आर मेल एंड पैचेस आर फीमेल. तो इसका एक खूबसूरत सा फोटोग्राफ है जो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. So wait for some time. Let me open the file. That genetics second chapter. Gynandromorph. देखो इसका concept क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ. फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसके अलग-अलग types. Okay? Even I will send you photographs. वो आप देख सकते हो. So, ये आप देखिए. आई एम सेंडिंग इस एक्स, आई एम शेयरिंग विद स्क्रीन ना. ये देखिए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी डोंट हैव टाइम टू ड्रॉ इट, तो उसको मैं इसलिए ऐसा बना दिया. अब यहां देखिए, इफ यू आर सीइंग दिस ड्रॉइंग, तो आप प्लीज ऑब्जर्व.